ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत प्रदेश के 7 संसदीय क्षेत्र मन में आज नामांकन पत्र के जांच में 187 उम्मीदवार मन के नामांकन वैध पाए गए है। आज मिले अंतिम आंकड़ा के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले या चरण के तहत काली बस्तर संसदीय क्षेत्र में 68% ले ज्यादा मतदान हुए है और ओडिशा के झारसुगुड़ा जिला में महानदी में नाव पलटे ले रायगढ़ जिला के 8 जन के हो गए मौत। अब समाचार विस्तार ले। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत प्रदेश के 7 संसदीय क्षेत्र मन में आज नामांकन पत्र के जांच में 187 उम्मीदवार मन के नामांकन वैध पाए गए है। 7 संसदीय क्षेत्र मन ले कुल 209 उम्मीदवार मन ले 22 जन उम्मीदवार के नामांकन पत्र जांच के बाद रद्द कर दिए गए है। इसने अब चुनावी मैदान में बांचे हुए 187 उम्मीदवार में से 12 सरगुजा के, 15 रायगढ़, 20 जांजगीर चांपा के, 29 कोरबा लोकसभा क्षेत्र के आए। उन्हें 42 बिलासपुर, 25 दुर्ग और 44 उम्मीदवार रायपुर लोकसभा क्षेत्र से हवें। तीसरे चरण पर 22 अप्रैल तक उम्मीदवार मन अपन नाम वापस ले सकें। तीसरे चरण पर 7 मई के वोट डाले जाहे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत काली बस्तर संसदीय क्षेत्र में 68% ले ज्यादा मतदान हुए है। निर्वाचन आयोग मतदान के अंतिम आंकड़ा जारी कर दे है। एकर मुताबिक बस्तर जिला में सबले ज्यादा 83% और बीजापुर जिला में सबले कम 43% वोट डाले गए है। उन्हें जगदलपुर में 75, चित्रकूट में 76, दंतेवाड़ा में 67, कोंडागांव में 75 और कोंटा में 54 और नारायणपुर जिला विधानसभा क्षेत्र में 68% मतदान हुए है। लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के तहत चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ ले है। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के अलावा दूसर राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक मन के आय के सिलसिला काली ले शुरू हो गए है। वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काली राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के कुमरदा गांव में सभा ली। एकर बाद काली ही कोरबा और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के बेलतरा में घलो जनसभा ला संबोधित कर ही। बेलतरा में श्री योगी आदित्यनाथ के जनसभा के तैयारी के सिलसिला में आज भाजपा पदाधिकारी मन के बैठका हुई। ये कार्यक्रम के व्यवस्थापक और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला बतैन की बैठका में पार्टी कार्यकर्ता मन की जिम्मेदारी तय कर दे गए है। उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हगलो काली छत्तीसगढ़ के दौरा में पहुंची। श्रीमती गांधी काली राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में बालोद के हथोद और मोहड़ में चुनावी सभा ली। एकर अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल के जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के शक्ति और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के धमतरी में जनसभा ला संबोधित करही। एकर बाद ओमन 24 अप्रैल के अंबिकापुर में चुनावी सभा ला संबोधित करही। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह 22 अप्रैल के कांकेर में और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घलो 22 अप्रैल के लोरमी, आरंग और भिलाई में चुनावी सभा ला संबोधित करही। जांजगीर में काली भाजपा उम्मीदवार कमलेश जांगड़े के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुई। ये मौका में आम सभा संबोधित कर श्री साय कांग्रेस ऊपर जम के प्रहार करीन। श्री साय कहीन कि 5 साल तक छत्तीसगढ़ लुटैया कांग्रेस अब प्रदेश के जनता ल गुमराह करत है, लोकसभा चुनाव में फिर वोट मांगत है। उमन कहीन कि ए पैद के लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव न है, ये तो नरेंद्र मोदी के तीसरैया बखत देश के प्रधानमंत्री बने के चुनाव आए। ये चुनाव सभा ला उप मुख्यमंत्री अरुण साव हगलो संबोधित करे। दूसरैया डहार चुनावी प्रचार अभियान के तहत जांजगीर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा भाजपा के नीति मन ऊपर सवाल उठाई। जांजगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधित करत हुए सुश्री खेरा कहीन कि केंद्र के भाजपा सरकार के 10 साल में न तो महंगाई कम हुई और न ही रोजगार मिलिस। उमन कहीन कि भाजपा देश के जनता ले जौन वादा करे रहीन उह पूरा नहीं हुए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हौ। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
अब आगू बढ़ो बाते समाचार कोती। ओडिशा के झारसुगड़ा जिला में महानदी में नाव पलटे ले 8 जन के मौत हो गए, उन्हें 1 जन महिला लापता है। ये हादसा में 50 जन ला बचा ले गए है। सबो मृतक रायगढ़ जिला के खरसिया ब्लॉक स्थित अंजोरी पाली गांव के रहैया आए। ये हादसा में मारे गए सबो 8 जन ग्रामीण मन के शव बरामद कर ले गए है। पुलिस के मुताबिक पाछू रतिहा करीबन 70 जन ले भरे एक ठन नाव महानदी में पलट गए। ये सबो जन रायगढ़ जिला के अंजोरी पाली और कोतलिया गांव ले ओडिशा के पत्थरसैनी मंदिर में दर्शन बर गए रहिन। वापसी में उखर नाव महानदी में पलट गए और हादसा के बाद 8 जन लापता हो गए। घटना के जानकारी मिलते ही झारसुगड़ा और रायगढ़ जिला के पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौका में पहुंचीन। एकर बाद लापता लोगन मन के तलाशी शुरू हो गए और आज मंझनिया तक 8 जन के शव बरामद कर ले गए है। मृतक में 5 जन महिला और 3 जन लड़का शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा ये घटना पर दुख जताये है। उमन बतायन कि ये हादसा में मारे ग्रामीण मन के परिजन ला 4-4 लाख सहायता राशि दे जाही। संगे संग उमन घायल मन के समुचित इलाज पर जरूरी दिशा निर्देश दे है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में काली निर्वाचन ड्यूटी के दौरान माओवादी वारदात में शहीद हुए जवान के परिजन मन ला 30 लाख रूपया और घायल जवान ला 15 लाख रूपया के अनुग्रह राशि दे जाही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले है बतायन कि ये भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार निर्वाचन कार्य में नियोजित सीआरपीएफ के सहित आरक्षक और घायल असिस्टेंट कमांडेंट पर अनुग्रह राशि के मंजूरी दे जाते। जैसन की खबर दे चुके हैं कि काली बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान बीजापुर जिला के उसूर थाना क्षेत्र के गलगम मतदान केंद्र करा आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के आरक्षक देवेंद्र कुमार गंभीर रूप ले घायल हो गए रहिन और इलाज पर एयर एम्बुलेंस ले रायपुर लावत बेरा ओखर निधन हो गए रही। उन्हें एरिया डोमिनेशन के दौरान भैरमगढ़ क्षेत्र के चीका क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आए ले सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी घायल हो गए हैं। उनका इलाज रायपुर में चलत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सरोना कुम्हारी रेलवे स्टेशन के बीच तीसरा लाइन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली के काम हुए के सेती यात्री ट्रेन मन के आज और काली परिचालन प्रभावित हुई। ये दौरान रायपुर दुर्ग और रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन रद्द रही। इसने गोंदिया रायपुर और इतवारी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन घलो नहीं चले। उन्हें आज अवकाली अंतरगढ़ रायपुर और ताड़ोकी रायपुर ट्रेन दुर्ग और रायपुर के बीच रद्द रही। एकर अलावा विशाखापट्टनम दुर्ग एक्सप्रेस बेलसोंडा और दुर्ग के बीच नहीं चले। यही बीच बिलासपुर मंडल ने गुजरैया सबो गाड़ी मन में अग्नि सुरक्षा ऊपर चलाए गए विशेष अभियान के अंतिम दिन आए। यह अभियान 5-15 अप्रैल ले चलाए जाते। एकर मुख्य उद्देश्य यात्री मल्ला जागरूक कर ट्रेन में आगजनी घटना के जोखिम ला कम करना आए। ये दौरान वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी ट्रेन मन में विशेष कर पेंट्री कार स्टेशन और रेलवे परिसर मन के निरीक्षण करत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत प्रदेश के 7 संसदीय क्षेत्र मन में आज नामांकन पत्र के जांच में 187 उम्मीदवार मन के नामांकन वैध पाए गए हैं। आज मिले अंतिम आंकड़ा के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत काली बस्तर संसदीय क्षेत्र में 68% ले ज्यादा मतदान हुए है और ओडिशा के झारसुगड़ा जिला में महानदी में नाव पलटे ले रायगढ़ जिला के 8 जन के हो गए मौत। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही चलावत है। जय जोहार।